बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेस के फाइंड और रिप्लेस फीचर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेस के एक और इम्पोर्टेंट फीचर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द डाटा इन आर टेबल की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सॉर्टिंग से क्या मुराद है? जब कभी भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को या फिर अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए MS Access जो फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज अ सॉर्टिंग फीचर। और फिल्टरिंग कब यूज की जाती है? दोस्तों आप जानते हैं कि एक डेटाबेस, एक टेबल मल्टीपल रिकॉर्ड्स से भरा हुआ होता है। एक टेबल में थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। तो अब अगर आप उन रिकॉर्ड्स में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कुछ मखसूस डेटा को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजर को, तो उसके लिए जो फीचर MS Access प्रोवाइड करता है वो कहलाता है फिल्टर का फीचर। आइए अब इन दोनों को प्रैक्टिकली MS Access के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले तो आपके सामने उस टेबल का ओपन होना जरूरी है जिस पर आप ये सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के फीचर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का फीचर जो है ये फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इस कॉलम को, जो कि स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ। अब सॉर्ट करने का तरीकेकार ये है कि आप सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक को प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पर ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिखा आ रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं या बड़े से छोटे नंबर की तरफ। अभी आप गौर करें तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो सॉर्ट हुआ हुआ है। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे और जब हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 15 पहले आ गया है, देन 14, देन 13 रिकॉर्ड, 12, 11 एंड सो ऑन। और सॉर्टिंग करने के बाद अगर आप दोबारा से अपने टेबल को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पहले ये मौजूद था, तो आप इस रिमूव सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों नंबरिंग के साथ साथ हम टेक्स्ट पर भी जो है वो सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। तो अगर आप ए से जेड के वे में जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ए टू जेड सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपके पास वो वाले स्टूडेंट नेम्स आ गए हैं जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, देन बी सी ई एंड सो ऑन टिल जेड तक। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसको जेड टू ए करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब इस कॉलम के जो नेम्स हैं वो आपको सॉर्टिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको पुराने जैसी शक्ल में लाना चाहते हैं जैसे आपका आपने टेबल बनाया था, तो फिर आप इस रिमूव सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को अप्लाई करने के लिए आपको MS Access मेन्यू बार के अंदर होम टैब में जब आप जाएंगे तो एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप भी आपको नजर आ रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉर्टिंग भी लिखी हुई आ रही है, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। इसी तरीके से अगर दोस्तों आप इस यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के बिल्कुल टॉप पर देखें तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में इस कॉलम को सॉर्ट कर देगा और अगर आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इस तरीके से अगर आप नंबर्स को भी सॉर्ट करना चाहते हैं, आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये दोस्तों स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो इसको सॉर्ट कर देगा, और अगर आप डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको सॉर्ट कर देगा। यानी सॉर्टिंग जो है वो दो चीजों पर आमतौर पर अप्लाई की जाती है, नंबर्स पर अप्लाई की जाती है और अल्फाबेट्स पर अप्लाई की जाती है। और अगर आप इसको वापस इसकी पहली वाली पोजीशन में लाना चाहते हैं तो आप रिमूव सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप एक टेबल पर सॉर्टिंग के फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग के बाद जो नेक्स्ट आपके पास फीचर MS Access प्रोवाइड करता है वो है फिल्टर का फीचर। तो उस फिल्टर से मुराद क्या है कि जब हम कोई स्पेसिफिक, अभी तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्योंकि एक डमी हमने टेबल बनाया है तो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और हजारों स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में से अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कराची से भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लाहौर से भी पढ़ते हैं, सिंध से भी पढ़ते हैं, तो अब अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी के स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर वो काम आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए MS Access आपको प्रोवाइड करता है फिल्टरिंग का फीचर। और फिल्टरिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस कॉलम में से
जो भी चीज फिल्टर करवाना चाहते हैं आप वो देंगे। मिसाल के तौर पर मुझे जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिसका नाम सना है, सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं उस माउस की मदद से मैं राइट क्लिक का बटन दबाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो सिलेक्ट किया है, जो हाईलाइटेड आपको वर्जन नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट फिल्टर्स कहलाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है। तो यहाँ पर आपको ये दे रहा है टेक्स्ट फिल्टर, और इसके आगे ये कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू दे रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या मुराद है दोस्तों, इससे मुराद ये है कि अगर आप जो डेटा फिल्टर करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो इक्वल्स टू इस सना के होने चाहिए जो कि मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने इक्वल्स टू लिखा। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, यानी आप किस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया एस ए एन ए, और जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आपको फिल्टर हुआ हुआ सिर्फ सना नाम का जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड नजर आ रहा है। अगर आप इसको दोबारा से पहले वाली पोजिशन में लेकर आना चाहते हैं तो आप इस टॉगल फिल्टर पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर आप टेक्स्ट फिल्टर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे। दोबारा से ये आपको कई सारे जो है वो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस रिकॉर्ड को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो इस टेक्स्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर मैं सना के अलावा तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो मैंने डज नॉट इक्वल्स टू पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है कस्टम फिल्टर के नाम से। अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट नेम इज नॉट इक्वल्स टू सना, यानी सना के अलावा अब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो तमाम रिकॉर्ड्स आपको शो हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये आपको मल्टीपल जो है वो टेक्स्ट फिल्टर के अंदर ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं कि आप कोई इस तरह का रिकॉर्ड फिल्टर करवाना चाहते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा हो, किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी बिगिंस विद, डज नॉट बिगिन विद, किस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा हो। इसके अलावा कंटेंस, दोस्तों कंटेंस के मायने हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अभी मुझसे पूछ रहा है स्टूडेंट नेम कंटेंस, यानी किस स्टूडेंट का, किस स्पेसिफिक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देती हूँ अली, और अली नाम के मेरे पास यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, स्टूडेंट आईडी 10 में भी और स्टूडेंट आईडी 5 में भी। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये अली नाम के दो रिकॉर्ड्स तो आए हैं, साथ के साथ ये चैली नाम का भी एक रिकॉर्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ए एल आई बीच में नजर आया है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है, और जो भी टेक्स्ट इसको मैच करता हुआ दिखता है उससे रिलेटेड जितने भी उस फील्ड में नेम होंगे उनके रिकॉर्ड्स ये आपको शो कर देगा। तो दोस्तों ये कहलाता है टेक्स्ट फिल्टर। इसी तरीके से आप नंबर्स फिल्टर भी कर सकते हैं। पहले हम टॉगल फिल्टर कर देते हैं। नंबर फिल्टर के अंदर दोस्तों आप इस नंबरिंग वाले कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको नंबर फिल्टर्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको मल्टीपल्स ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि कौन से नंबर के इक्वल टू इक्वल जो है वो आप उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या फिर लेस देन ग्रेटर देन। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर स्टूडेंट फीस ले लेती हूँ, और मैं उन स्टूडेंट की फीस को जो है वो उन स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ जिनकी फीस 2000 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी, नंबर फिल्टर्स पे जाऊंगी और लिखूंगी ग्रेटर देन पर क्लिक करूंगी। अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट फीस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000, और जैसे ही मैं ये करूंगी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2000 और उससे ज्यादा के जितने भी रिकॉर्ड्स थे फीस के, यानी जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से दोस्तों फिल्टरिंग के जरिए आप किसी स्पेसिफिक डेटा को जो है वो फिल्टर करवा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम टॉगल फिल्टर कर देंगे तो दोबारा से ये आपका जो टेबल है ये पुरानी हालत में आ जाएगा। ये दोस्तों ये तो हमने माउस की मदद से सीख लिया कि आप किस तरह से फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेस इसके लिए आपको एक पूरा ग्रुप फराहम करता है इस सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से। यहाँ पर आप सबसे पहले सिलेक्शन पर जाएंगे, और सिलेक्शन पर ये आप, क्योंकि अभी मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला सेल, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या चीज फिल्टर करवाना चाहते हैं, कौन सा रिकॉर्ड फिल्टर करवाना चाहते हैं। अगर मैं लिखती हूँ इक्वल्स 4 तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 आईडी वाला रिकॉर्ड ही फिल्टर हुआ है। मैं टॉगल फिल्टर कर दूंगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ डज नॉट इक्वल 4, तो 4 के अलावा जितने भी आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं लेस देन और इक्वल्स टू 8 लिखती हूँ तो 8 से कम वाले और 8 के बराबर वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं।
तो आप दोस्तों आप इस तरह से भी यानी राइट क्लिक के थ्रू भी आप फिल्टरिंग का फीचर अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ आप सॉर्ट एंड फिल्टर के इस ग्रुप के थ्रू भी आप फिल्टरिंग का फीचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली सॉर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक टेबल पर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, अगले लेक्चर में हम आपको दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जनरेट करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।